टू ऑनलाइन क्लास क्लास फोर टूडे आई स्टार्ट योर न्यू चैप्टर यूनिट सेवन सेक्शन सी बेली एट द पार्टी ये पोएम है बेटी नाम की एक बच्ची के ऊपर जो पार्टी के ऊपर है देखिए वेन आई वॉज एट दार्टी दा जब मैं पार्टी में थी सेड बेटी बेटी ने कहा एज जस्ट फोर जब चार बन गए बज गए थे उसकी एज जो है उसकी जो उम्र है मात्र तो चार साल है लिटिल गर्ल फेल ऑफ हर चेयर राइट डाउन ऑफ ऑन द फ्लोर एक छोटी सी लड़की अपनी चेयर से गिर गई राइट साइड में एंड ऑल द अदर लिटिल गर्ल बिगिन टू लाफ और दूसरी लड़कियों से देख के हंसने लगी बट मी लेकिन मैं आई डिड नॉट लाइफ लाफ अ सिंगल बिट लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हंसी सेट बैठी सीरियसली बेटी ने सीरियस होकर कहा वाई नॉट क्यों नहीं हर मदर आग जर उसकी माँ ने उससे पूछा फुल ऑफ डिलाइट टू फाइंड दैट बेटी वो उस खुशी में बहुत ज़्यादा मतलब बेटी ने देखा ब्लैस अर लिटिल हार्ट उसने उसके छोटे हार्ट को ब्लैस करा हैड बीन सो स्वीटली काइंड तुम इतनी प्यारी क्यों हो वाई डिड नॉट यू लाफ माई डार्लिंग मेरी प्यारी तुम हंसी क्यों नहीं और वुड नॉट यू लाइक टू टेल और तुमने कहा भी नहीं आई डिड नॉट लाइफ मैं नहीं हँसी सेट बैठी बेटी ने कहा बिकॉज इट वॉज आई फेल आई दैट फेल इसका कारण यह है मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ही गिरी हूँ ये सोच के मैं नहीं हंसी इस ठीक है अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट स्टेप बेटी वॉज बेटी कितने साल की थी फोर इयर्स की थी शी वेंट टू तो द पार्टी पार्टी गई वे आर अ लिटिल गर्ल वहाँ पे एक छोटी लड़की गिर गई थी फ्लोर पर उसे देख के और लड़कियाँ का अदर गर्ल्स लाफ दूसरी लड़कियाँ हंसं बेटी वॉज ओनली द सन वो पहली थी हु डिड नॉट लाफ अ सिंगल जो बिल्कुल नहीं हंसी हर मदर वॉज हैप्पी उसकी माँ बहुत खुश थी बिकॉज हर लिटिल डार्लिंग वॉज स्वीटली काइंड क्योंकि उसकी छोटी बेटी बहुत ही प्यारी और दयालु थी फैन आग द रीजन जब रीजन पूछा गया बेटी रिप्लाइड बैटी ने कहा दैट शी डिड नॉट डू सो वो ऐसा नहीं करेगी बिकॉज इट वाज़ शी दैट फेल क्योंकि ये वो है जो वो गिरी उसे महसूस हुआ जैसे वो गिरी इसके बाद नेक्स्ट है लुक एट द कलर कलर्ड वर्ड को देखना है और डिक्शनरी भी फाइंड आउट करना है इसका मिसिंग से बटर कप यहाँ पर आएगा बटरफ्लाई उसमें आ जाएगा आपका इंसेक्ट यू यू जो फीमेल होता है शीप का क्रिम्सन रेड कलर का होता है डैम होल्ड डैम बहुत सारा क्या होल्ड करता है वो करता है वॉटर स्केल स्केल मीन्स तराजू या छिलका इसके दो मीनिंग्स लिखने थे और उसी के बेस पर सेंटेंसेस बनाते बनाने थे जैसे आई वॉज होस्टिंग मैं रेडियो शो में रेडियो शो अपना होस्ट करी थी स्केल योर बिजनेस तुम्हारे बिजनेस को नाप रही थी वेन द सब्जेक्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस स्कैम जब बात आई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के जीवन के ऊपर बार्क मीस छाल और गरज ईज फ्रेंच मार मैरी टाइम फाइन ट्री बार्क जो फ्रेंच का जो पाइन पाइन ग्रीप था उसकी छाया जो, जो छाल जो थी हेल्प्स रिलीव मोनोपोशियल सिम्टम्स वो उसके मोनोपोशियल सिस्टम को देखेगी। साइन में इशारा करने का एस्ट्रोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द सीज़न एस्ट्रोलॉजी सीजन पर रिलेशनशिप पर प्लानट्स की डिपेंड करता है नॉट वॉट साइन इज लोकेटेड बिहाइंड द सन लेकिन वो इस बात पे इशारा बिल्कुल नहीं करता कि जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ पर सन क्या था इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको डी अरेंज सेंटेंसेज है उनको करेक्ट अरेंज करना है जैसे फर्स्ट है आई वेंट टू द नेशनल पार्क सेकेंड आई रियली लाइक टू स्टडी इंग्लिश थर्ड आर यू नॉट कमिंग विद दस फोर्थ आई हैव ऑल्सो स्कोर ट्वेंटी मार्क्स इन मैथ्स हाउ मेनी मार्क्स हैव यू गॉट इन मैथ्स इसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ फादर का और डॉटर का बेटी का एक कन्वर्सेशन चल रहा है और इन सेंटेंसेस के ऊपर उनको कंप्लीट करना है जैसे हैव यू गॉट योर रिपोर्ट कार्ड बेटी बेटी क्या तुमको रिपोर्ट कार्ड मिला येस yes, डैट हाँ डैट आई गॉट माई रिपोर्ट कार्ड मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड लिया है फादर हाउ मेनी मार्क्स हैव यू गॉट इन मैथ्स मैथ्स में कितने मार्क्स आए तो उसके बाद हाउ वुड यू डू आपने कैसा करा इफ आई से यदि मैं कहूँ कि मैथ्स में मेरे नाइन्टी नाइन आए आई विल गिव यू अ सरप्राइज़ गिफ्ट विच यू वॉन्ट मैं तुमको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा जो तुम चाहते हो बट डैड लेकिन बेटी ने कहा डैड आई हैव स्कोर ट्वेंटी मार्क्स लेकिन मैंने सिर्फ ट्वेंटी मार्क्स ही स्कोर कर पाई हूँ इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इसके बाद इसके स्टार्ट होते हैं आपके वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग में देखिए जैसे यहाँ पर है बेटी बेटी का एजड मीन्स होता है बूढ़ा स्केल मींस तराजू बार्क मीस चाल साइन मीस इशारा करना सीरियस मीन्स गंभीर डिलाइट मीन्स आनंद डार्ली मींस प्यारी लाफ मीस हंसना क्वेश्चन आंसर हाउ ओल्ड वॉज बेटी बेटी कितने साल की थी बेटी वॉज फोर ईयर ओल्ड बेटी चार साल की थी वेयर वॉज बेटी बेटी कहा थी शी फेल जब वो गिरी वो कहां थी बेटी वॉज एट द पार्टी वो पार्टी में थी वैन शी फैल जब वो गिरी वॉड डिड द अदर गर्ल डू दूसरी लड़कियाँ क्या करती हैं द अदर गर्स वी टू लाव दूसरी लड़कियाँ हंसती हैं वॉड डिटी डू वेटी ने क्या कहा वैटी डि नॉट लाइव वैटी हंसी नहीं थी वाई डिड वेडी नॉट लाव वैटी क्यों नहीं हंसी थी वैटी डिड नॉट लाव वो इसलिए नहीं हंसी थी बिकॉज शी हर सेल्फ वैट फॉलो डाउन उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद गिर गई है इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए थैंक यू